गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप प्लस वन क्लास की गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई एक कविता तू दरिया दाणा बिना काव टोटे का प्रसंग दस के व्याख्या करांगे। सो इस दे विच गुरु नानक देव जी की कहिंदे ने कि तू दरिया दाणा बिना मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझते निकसी फूट मरा, न जाना मेई न जाना जाली, जा दुख लागे तुझे संभाली। इस दी जो आप प्रसंग लिखांगे, प्रसंग दे विच सिंपल नॉर्मल चीज़ ने कि ए काव टोटा, काव कमाई जो अपनी बुक है, काव संग्रह विच पाठ एक, उपसरलेख विच दर्ज गुरु नानक देव जी की रचना तू दरिया दाणा बिना विचों लिया गया है। इस रचना विच गुरु जी ने दरिया रूप अथाह प्रभु विच विचर रहे मच्छी रूप जीव की तुष्टता सर्वव्यापक प्रभु की कृपा दे भाणे उपर उस दी निर्भरता नूं बयान किया है। मतलब कि गुरु जी कहते हैं कि जो रब है वह एक दरिया वर्गी दरिया रूप है जिसका कोई अंत नहीं, तो जो जीव है वह एक मच्छी है, मच्छी दरिया का कदे अंत नहीं पा सकती। अगे व्याख्या है कि गुरु नानक देव जी फरमाते हैं हे प्रभु तू एक अथाह दरिया समान है, तो मैं उस विच विच रही एक निक्की जी मछली। जिदा उत्तर फस्ट लाइन दी हुई है तू दरिया दाणा बिना मैं मछली किसी अंत लहा। फस्ट लाइन का मतलब यह है कि तू दरिया है प्रभु, तो मैं उस विच विच रही एक छोटी जी मछली। मैं तेरा अंत कदे नहीं पा सकती, मेरी हालत तू ही जानता है, तू ही देखता है। मैं मच्छी, मैं दरिया विच जिधर भी वेखदी हाँ उधर दरिया रूप तू ही दिखता है। जे मैं दरिया विचों बाहर निकल जावां तो उस वेले तड़ तड़ के मरदी हाँ। इस तरह मेरा जीवन तेरे दे ही आसरे है, मैनू तां इत्थों विछोड़न वाले मच्छी दी समझ है, ते ना ही उस दे जाल तो बचना मेरे वस दी गल। जदों ये मैनू तेरे पासों विछोड़न दा दुख दिंदे हन तो मैं तेनू ही याद करती हाँ, अर्थात तेरी कृपा नाल ही मैं तेरे नाल जुड़ी रह सकती हाँ। मतलब कि जो एक मनुख जीव है वह हमेशा परमात्मा के सहारे ही चलता है, अगर कोई भी परमात्मा नूं छड्ड के किसी होर पासे चलता है तो वह बहुती देर इस संसार ते नहीं रह सकता। सो ये अज अपने जो पहला काव टोटा सी उसकी प्रसंग सहित व्याख्या, कल नूं आपां सैकेंड जो काव टोटा है उसकी व्याख्या करांगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।